किसी भी तरीके से या किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख लो, हर तरफ ये लोग चर्चे में, आपका नाम ज़्यादातर सामने आ नहीं रहा है, तो क्या लगता है सर टिकट के क्या चांसेस है आपके? हर चमकने वाला चीज़ सोना नहीं होता है, हर छुपने वाला चीज़ नहीं दिखने वाला चीज़ लोहा भी नहीं होता है। हम लोग काम करते चलते हैं, हमारा रिकॉर्ड हमारे पास है ना। आईबी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं फवाद शेख और आज हम आए एक खास मेहमान से मुलाकात करने के लिए जो साउथ सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, जिनका नाम है रवि कलस्तरी जी। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते सर। अभी एक ऐसा पीरियड चल रहा है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, हर एक इच्छुक कैंडिडेट जो है वो लड़ना चाह रहा है इलेक्शन में, तो पहला सवाल आपसे ऐसा होगा कि क्या आप जो है कांग्रेस से इलेक्शन लड़ने के लिए इच्छुक है? इच्छुक हूँ। रवि सर, देखा ऐसा भी जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर की जो आंतरिक कला है, जिसे हम कहें कि ये लोग आपस की जो फूट है जिसकी वजह से आज कांग्रेस टूटी हुई है, इन सभी चीज़ों के बावजूद चीता कैंप के लोकल बॉडी के अंदर 7 से 8 उम्मीदवार तो चीता कैंप में ही दिखते, तो क्या लगता है रवि जी के ये लोग आगे चल के कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बनेंगे? बिल्कुल नहीं है, उन लोग सब लोग समर्थन करेंगे कांग्रेस को, जो उम्मीदवार जिसको भी कांग्रेस की पार्टी से टिकट मिलेगा ऑफिशियली, वो सारे के सारे लोग उनके समर्थन में काम करेंगे। तो आपके बोलने का मतलब है कि अभी कांग्रेस में किसी भी तरीके की कोई गुटबाजी नहीं चल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक कि मुझे जानकारी है कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, जितने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है या ऑफिस बेरर है फॉर अपना ये वार्ड में, सारे के सारे लोगों को हक बनता है कि वो अपने पार्टी से अपने टिकट मांगे। देना नहीं देना, मिलना नहीं मिलना, वो मुकद्दर की बात है या तो उनके काम के ऊपर निर्भर करता है। एक ऐसा प्रश्न जो हमने हर एक कांग्रेसी से पूछा जिसका जवाब अब तक हमको नहीं मिला, इसके लिए ये सवाल हम वापस से पूछ रहे हैं कि शब्बीर खान जो पिछले 10 साल के बाद कांग्रेस में वापसी किए, जिसे कांग्रेस द्वारा ये कहा जा रहा है कि घर वापसी, तो सर कैसा देखोगे कि अगर शब्बीर खान को कॉरपोरेशन की टिकट मिलती है तो रवि कलस्तरी जो है और कांग्रेस की बाकी जो चीता कैंप की बॉडी है, जो लोकल यूनिट है चीता कैंप का, क्या वो शब्बीर खान के पीछे कांग्रेस के बैनर के साथ उनके लिए सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा? बात सिर्फ शब्बीर खान की नहीं है, जो जिस उम्मीदवार को पार्टी अपने चुनावी टिकट देगी वो सारे के सारे जो कांग्रेसी जो ओरिजिनल वर्कर्स है वो सारे के सारे जिस किसी को भी टिकट देंगे उसके साथ में पूरे तहे दिल से मन से काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्या लगता है रवि जी के क्या कवायद लगाए जाएंगे, क्या आपको टिकट कन्फर्म ही मिल रही है, या मतलब आपकी तरफ से क्या तैयारियां चल रही कि मतलब आपने किन किन लोगों से कि पार्टी के बड़े आला अधिकारियों से, हाई कमान लोगों से आपने किन किन लोगों से मुलाकात की है टिकट के सिलसिले में? टिकट के सिलसिले में करके तो मैं आज तक किसी से मिला नहीं हूँ, पर मैं आपको बताते चलूँ कि 1982 से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। इसके दरम्यान में मैंने कोई भी पार्टी के साथ में मतलब कोई भी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया हूँ, एक ही पार्टी में रहा और रहा। थोड़ी सी आपसी मतभेद और शिकायत थी जो सन 2007 पे मैंने मनसे से टिकट इलेक्शन लड़ा था और थर्ड नंबर से आया था, सिर्फ वो उतनी ही पीरियड के लिए थी। उसके बाद में उस पार्टी से मेरा और कोई भी पार्टी से मेरा कोई तालमेल नहीं, सारे के सारे पार्टियों से मेरे अच्छे रिश्ता है और ये कायम रहेंगे। रही सवाल जो ये आपने जो इस वार्ड के टिकट के माध्यम के जो मैंने 1982 से कांग्रेस को अपना काम किया है, कांग्रेस का नाम किया है, कांग्रेस को साथ में लेके चला हूँ, उसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं लगती है कि मैं जाके किसी से मिलूँ या करूँ। मेरे को मेरे काम और मेरी काबिलियत पर मुझ पर भरोसा है, मैं अपने पार्टी से ज़रूर टिकट मांगूँगा, देखते हैं पार्टी जो फैसला करेगी वो मुझे मंजूर है। क्या लगता है रवि जी, चीता कैंप से जो अभी लोकल कॉरपोरेटर है शहनवाज शेख, उनकी पार्टी के द्वारा महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील ने एक दावा किया है कि अगर आने वाले विधानसभा सदन में, जो आने वाला विधानसभा का पहला सत्र होगा, उसमें अगर मुस्लिम रिजर्वेशन को पास कर दिया जाए तो MIM महाराष्ट्र के अंदर कॉरपोरेशन इलेक्शन नहीं लड़ेगी, तो इसके साफ संकेत ये है कि NCP और राष्ट्रवादी के लिए मैदान खुला हो जाएगा, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है सर? और मैं ये भी जानना चाहूँगा सर कि कांग्रेस जिस वक्त हुकूमत में थी, अकेले कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त इस बिल को जो है कानून द्वारा पास कर दिया गया, उसके बावजूद अब तक ये एक्ट लाया नहीं गया, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर?
इम्तियाज़ जलील ने जो कहा वो उनके व्यक्तिगत मत था। अगर ऐसा हो जाता है 5% रिजर्वेशन मुसलमानों के हित में मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। उन लोगों को उनका फंडामेंटल राइट्स मिलना ही चाहिए, उनका धर्म सिद्ध अधिकार है जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है और स्टेट गवर्नमेंट में अमेंडमेंट कर देना चाहिए। सर मेरा सवाल बिल्कुल सीधा सा था कि स्टेट गवर्नमेंट में इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी बराबर सर, उसके बावजूद और अभी जो ये महाअघाड़ी सरकार है इसमें भी कांग्रेस शामिल है, तो सर स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को पास क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जो मंत्री तब थे नवाब मलिक साहब, अबू असीम साहब, असलम शेख, ये लोग तब नहीं थे और उसके बावजूद आवाज़ उठाए रहे थे, इस मुद्दे पर आवाज़ हमेशा उठाए जा रहे थे, लेकिन अब उनकी सरकार होने के बावजूद इस बिल को क्यों पास नहीं किया जा रहा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? कुछ उनके टेक्निकल इश्यूज होंगे या कुछ और उनका मतभेद होगा या तो उसके विषय में काम भी करते रहेंगे, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर 5% रिजर्वेशन मुसलमानों के हित में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। रवि सर एक सवाल ऐसा था जो हमने हर एक कैंडिडेट से अब तक पूछा है कि किन मुद्दों पर आप इस चुनाव को लड़ना चाहोगे, हमने देखा यह है कि नाली गटर और पानी के मसले पर, स्पेशली पानी के मसले पर कितने कैंडिडेट सीधा कि मैं जीत कर गए। हमने ये भी देखा है सर कि आज तक कोई कैंडिडेट रिपीट नहीं हुआ है, तो क्या चांसेस है सर कि आपको क्या लगता है कि शहनवाज शेख जो इस दफ़ा कॉरपोरेटर है क्या उनके कोई जीतने की संभावना है, या फिर मैं ये देखूं कि आप अपने कार्य को लेकर कांग्रेस के कार्य को लेकर चीता कैंप में किस तरीके से आप अभी प्रभावशील है? बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले 1992 से या उससे पहले से भी अगर मैं बताते चलूँ, जब से मैं पार्टी में पॉलिटिक्स में जुड़ा हूँ, यहाँ पर कॉरपोरेशन की जहाँ तक की बात है वहाँ पर हमारे गांव में कोई भी कैंडिडेट रिपीट नहीं हुआ। वो आज तक वो पता नहीं चला कि भाई उसका पीछे का वजह क्या है, पर ये बात पता है कि इस पिछले 10 साल से या 15 साल से जो भी मैं मतलब एकदम काम दिलो जान से करता हूँ, कांग्रेस को इस बार लोग मानते हैं, चाहते हैं, और हमने बहुत सारे काम किए हैं सोशल एक्टिविटीज़ में जिसका सीधा सीधा श्रेय कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। सर किन मुद्दों पर आप इस चुनाव को लड़ोगे? जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, ये यहाँ का लोकल जो स्थानीय बंदा है जो भी यहाँ की प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से जानता है, तो किन मुद्दों पर आप इस चुनाव को लड़ोगे? देखिए यहाँ पर जो जहाँ तक कि कॉरपोरेशन की बात है, तो कॉरपोरेशन की जो लिमिटेशंस जो होती है जैसे गली नाला गटर, ये तो करते हुए आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब से दस्तक बस्ती का जो ये जो नया जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में जो वर्किंग होती है तो यहाँ पर गली नाला सफाई तो होती रहती है, उसमें कोई बड़ी मुद्दा नहीं, बड़ी बात नहीं है, वो हमारे विषय भी नहीं है। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर हमारे इलाके के जो गरीब बच्चे बच्चियाँ जो है एजुकेशन में फॉरवर्ड होना चाहिए, एजुकेशन को लेके हमारा भी विषय रहेगा। यहाँ पर कॉलेज ग्रेजुएशन तक होना चाहिए ताकि हमारे यहाँ पर 10th के बाद या 12th के बाद में स्कूल ना होने की वजह से हमारे गरीब बस्ती के माँ बाप लोग अपने अपने बच्चों को दूर से दूर पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के कोई कॉलेज हो ताकि हमारे गांव के बच्चे लड़के अच्छी तालीम हासिल करें। और ये भी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारे गाँव में हुआ, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हो, हिंदू कम्युनिटी के बच्चे हो, तो तालीम में विषय में यहाँ पर कॉलेज खुले, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले और हॉस्पिटलाइजेशन सिस्टम में भी और फेरबदल आवे। हमेशा हर कैंडिडेट जो आता है वादा करता है मैटरनिटी के बारे में, मैटरनिटी हॉस्पिटल तो है ही, पिछले 15-20 साल से यहाँ पर है। मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में जो सुविधा चाहिए वो सुविधाओं की कमी है, कभी तो मशीनरी नहीं है तो कभी तो वो उसको ऑपरेट करने के लिए डॉक्टरों की कमी है। उसके अलावा जो भी अगर छोटी मोटी जो घटनाएँ हो जाती है कैजुअलिटी के लिए, हमें लोगों को मैटरनिटी की बात ठीक है मैं मानता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे बेड्स है, मशीनरीज है, डॉक्टर्स नहीं है। कुछ दिन पहले भी हमारे कॉरपोरेटर ने बताया था कि बहुत जल्दी और डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट कर देंगे, बहुत सारे सुविधाएं हो जाएंगे, ठीक है उनके बाद उनके ठीक है। सिर्फ मैटरनिटी होम से काम नहीं चलेगा ना, उसके अलावा बहुत सारे बीमारियां हैं, तकलीफ के लिए हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, जिसके लिए हमारे को राजावाड़ी या शताब्दी या मां हॉस्पिटल या साइन हॉस्पिटल उतना लंबा जाना पड़ता है। छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है एरिया में, कुछ एक्सीडेंटली कुछ नेचुरल कैलामिटी से हो जाती है, घर गिर जाता है, कुछ हो जाता है, किसी को मार लग जाता है, कुछ आपसी मतभेद से मारामारी हो जाती है, ये सारी चीज़ों के लिए वहाँ जाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि चीता कैंप में कोई ऐसे इलाके में कुछ 3 मंजिला या 5 मंजिले के एक हॉस्पिटल बने जहाँ पर जिसको कैजुअलिटी वार्ड भी मिले, मैटरनिटी का भी सुविधा मिले और सारे के सारे नई तकनीकी से सब लोगों को उसका या हमारे गाँव के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। सर जो एक सवाल जो हम हर एक कैंडिडेट से करते हैं उसका तो जवाब आपने डायरेक्ट दे दिया। सर डिग्री कॉलेज को लेकर जो आपने कहा, तो हमारा ये मुद्दा रहा है कि डिग्री कॉलेज चीता कैंप में आना चाहिए, तो क्या लगता है सर कि हमारे पास राहुल शेवाले साहब जो MP है
और नवाब मलिक साहब है, स्थानीय कॉरपोरेटर है, तो क्यों मतलब इसके लिए हमको कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ना ही ज़रूरी है? क्या लगता है सर, मतलब कि क्यों चीता कैंप में अब तक ये विषय पर चर्चा नहीं हुई और अब IBN न्यूज़ के द्वारा इस इशू को हम हर एक लीडर के पास, जो लोकल है, जो अनुशक्ति विधानसभा के है, उनके पास हम इस चीज़ को रख रहे? ये कॉलेज सर यहाँ की बुनियादी ज़रूरत है चीता कैंप की। एक डेटा है सर हमारे पास, जो हमने सर्वे के अनुसार हमारे पास एक डेटा है कि चीता कैंप की जो 70% लड़कियाँ हैं सर, वो 10th और 12th के बाद आगे नहीं पढ़ती। तो इसके लिए सर ये आप अगर जीतते हैं तो आप क्या काम करेंगे कि डिग्री कॉलेज जल्द से जल्द इधर आ जाए? बिल्कुल, हमारे पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर है श्रीमती वर्षा गायकवाड़, जो कैबिनेट रैंक के हैं। हम उनसे जल्दी से जल्दी, अगर हम या हमारे कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से नुमाइंदा चुनकर हमारे गाँव वाले देते हैं कांग्रेस को, तो हम कैबिनेट मिनिस्टर में ये बात रखेंगे और आने वाले दिनों में जल्दी से जल्द उसमें क्या कर सकते हैं उसमें गौर करेंगे। और ये वादा करते हैं कि कोई भी कांग्रेस की कैंडिडेट जीतेगा, यहाँ पर डिग्री ग्रेजुएशन लेवल के कॉलेज एक नहीं दो, जितना हो सके उतना जो ज़रूरी लगी वो सारे के सारे करके देंगे। सर देखा ये गया है कि शब्बीर खान, दीपक महेश्वरी और शहनवाज शेख, ये लोगों का नाम अभी किसी भी तरीके से या किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख लो, हर तरफ ये लोग चर्चे में, आपका नाम ज़्यादातर सामने आ नहीं रहा है। तो क्या लगता है सर, टिकट के क्या चांसेस है आपके? हर चमकने वाला चीज़ सोना नहीं होता है, हर छुपने वाला चीज़ नहीं दिखने वाला चीज़ लोहा भी नहीं होता है। हम लोग काम करते चलते हैं, हमारा रिकॉर्ड हमारे पास है ना, लोगों में चर्चे में आने के करने से कोई मतलब नहीं होता है। लोगों में काम होना चाहिए, लोग हमारे काम को जानते हैं, हमारे पार्टी के काम को जानते हैं, हमारे नाम को जानते हैं। मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी है। तो ये थे रवि कलस्तरी जी, जिन्होंने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। हम आशा करते हैं कि चीता कैंप के लिए रवि कलस्तरी जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, इसी तरीके के और कार्य चीता कैंप की भलाई के लिए वो करते रहे। इसी तरीके की तेज तरह न्यूज़ के लिए बने रहिए IBN न्यूज़ 24/7। कैमरामैन तैयब के साथ मैं फवाद शेख। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।